अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है जी? जी हमाद अवान नाम है मेरा, लाहौर से, मैं लाहौर का रिहायशी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह डेली यहाँ पर मैं आने वाला हूँ। मैं जॉब करता हूँ लेकिन सुबह जाते हुए और वापस आते हुए मैं रोज़ाना यहाँ पर आके रुकता भी हूँ। और पिछले दिन जिस दिन शेलिंग हुई है तो ये नहर वाले पुल पर सारी रात ऑलमोस्ट मैं 2-2.5 बजे तक तो मैं लड़ता रहा हूँ। अपना दोस्त भी मेरा साथ था तो हम उनके साथ मिलके सारा कुछ ऑपरेशन में हम शामिल थे सारा कुछ। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप कितनी देर से पीटीआई से मुंसलिक हैं? पीटीआई से जी मैंने जो पहला जलसा इनका अटेंड किया था वो 2007 में नथिया गली का एक जलसा था, उस वक्त मैंने अटेंड किया था और ये मेरे बच्चे भी उस वक्त एक तो था एक नहीं थे, बिल्कुल छोटे छोटे थे। 2007 से मैं खान साहब के साथ हूँ और हर बड़ा जलसा, खासकर 2011 का जो मीनार पाकिस्तान का जो इनका ग्राउंड ब्रेकिंग जलसा था उसमें भी मैं था और उसके बाद हर बड़े जलसे में एहतजाज में हर जगह हम लोग जाते हैं जी। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं आप इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में? इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में क्या कहना जी, ये उनके तो खुद समझ नहीं आ रही, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उनकी उनके उनकी वजह से तो बहुत ज़्यादा लोगों में शऊर आ रहा है कि जितना वो खान साहब को जितना वो प्रेशराइज़ करना चाह रहे हैं उतना शऊर लोगों में आ रहा है। और इसमें मेरा जो ख्याल है ज़्यादा इस पीडीएम की गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, उनके जो हैंडलर्स हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनका ज़्यादा हाथ है। बेसिकली गुस्सा उनको है, उनको पीडीएम को आगे किया हुआ, सियासी हुकूमत इतना नहीं करती लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट का जो खान साहब के साथ जो क्लैश है वो नहीं चाहते कि जिस बंदे को हमने निकाला है कल को हम उसी को सलूट मारें, लेकिन इंशाल्लाह उन्हीं को सलूट मारना पड़ेगा जी। जी सिस्टर आप बताइएगा कि कल जो घर का तकद्दस पामाल किया गया, चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, उसके बाद खान साहब की अहलिया घर में मौजूद थी तो एक तरह ऐसे कह ले कि उन्होंने बगैर इजाज़त के घर में दाखिल हुए हैं, दरवाज़ा तोड़ा है, उसके बाद घर जाके खान साहब की अहलिया की जो इज्जत है उस पर हाथ डाले कि तकरीबन बराबर है क्योंकि जब घर दाखिल हो गए दीवारें फलांग के गए हैं या दरवाज़ा तोड़ के गए हैं तो बिल्कुल मुतजाद ही है। जैसे लोग कहते हैं कि मारी और उलारी पंजाबी में ये कहते हैं कि बराबर ही होती है, तो इसमें बताएंगा क्योंकि आप ये ज़्यादा एहसास रखती हैं एक फ़ीमेल होने के नाते, तो क्या मौक़िफ़ है आपका इस बारे में? हम तो ये कहते हैं कि हमारा शेर घर से निकला पीछे से गीदड़ आ गए, इतने ही वो थे तो सामने आते ना, सामने आते जब वो मौजूद थे सब लोग, पीछे से औरतों के ऊपर वार करने का तो कोई फ़ायदा नहीं, ये तो मरियम के काम है, वैसे वो ही ये काम कर सकती है। वो 2-3 दिन पहले कहती रही है ना चोर बिल में छुपा बैठा है, चोर बिल में छुपा नहीं बैठा था, चोर उसके अब्बू बैठे हुए हैं लंदन छुप के, वो बाहर निकल के तो देखें ज़रा, शायद वो उनको कह रही होगी। हो सकता है मतलब शेर जब निकला होता है ऐसे कि वो शेर था, शेर जब निकला तो जंगल में या ऐसे कह ले जंगल में जंगल। उनकी बहुत बड़ी भूल है कि जी इमरान खान के साथ इतने लोगों की दुआएं हैं कि वो सोच भी नहीं सकते, किसी एक की दुआ तो कबूल होती होगी ना दिल में और एक एक मिनट में, ये उसी का नतीजा है कि वो इंशाल्लाह अभी भी हैं और वो रहेंगे। भाई आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? क्या नाम है? अवैस। क्या करते हो? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास? नाइन्थ। नाइन्थ में? नाइन्थ साइंस या आर्ट्स? साइंस। माशाल्लाह साइंस का। अच्छा तो आप क्या खान साहब के बारे में आप क्या चाहते हैं, वोट किसको देंगे आप ये बताएं, आपका जब आईडी कार्ड बनेगा? इमरान खान को ही देंगे। इमरान खान साहब को वोट देंगे जी? अगर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने वोट नहीं लेना तो फिर जाया कर देंगे। ये मेरी बेटी है, इसका 5 मार्च को उसकी बर्थडे थी और अगले दिन ही ये आईडी कार्ड बनवाने गई है और कल इसका आईडी कार्ड आया है तो इसने अर्जेंट पे बनवाया है कि 30 अप्रैल को इंशाल्लाह जब इंतखाबात हैं तो वोट डाल दें। माशाल्लाह बड़ी बात है, बहुत ही कसीर तादाद में हमने तकरीबन 3-4 दिन हो गए लोगों से बातें कर रहे हैं, बहुत ही कसीर तादाद में और बहुत ही अच्छे ख्याल लेकर खान साहब के बारे में लोग हमारे सामने आ रहे हैं और